और वो ना मुझे मेरा खून कर देगा अगर मैं नहीं पहुँचूँ तो लेकिन I would like to wish all the nominees and all the performers all my love and luck. And I think every year it's a much anticipated award function, very prestigious screen awards. Always an honor and pleasure to be here. हाँ यार मैं बस इतना कहना चाहूँगा यही मेरी इच्छा है कि शो अच्छा जाए बहुत मज़ा आए हंसे कूदे खेले साथ में थैंक यू वेरी मच one screen I think for Virasat and Anindra Jindo last year. I think it's the first time in a very long time that Sonam and her sister and her brother are kind of nominated the same year, which is a very big honor. Sonam's had a very good year. People have liked me in India, so it's good for me. I think it should release in the third quarter of 2017. So we'll finish shooting in around Valentine's Day. We have about two more months and then they'll post-produce and release probably July, August or sometime after that. Yeah.
खास गाना हर बोलो हर जो एक शिवाय मूवी का आ रहा है उसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूँ एंड सिद्धार्थ इज परफॉर्मिंग ऑन मल्हारी सॉन्ग और हम साथ में फिर मिलते हैं डांस होता है काफ़ी ज़्यादा मसालेदार डांस अभी तक कुछ साइन नहीं किया है बिकॉज मैं मेरे साथ साथ स्टडीज़ भी चलती है सो जैसे ही कुछ अगर अच्छा आ जाए तो ऑब्वियसली मैं ज़रूर साइन करना चाहूँगा मैं अभी मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा क्योंकि डांस मैं करता हूँ और मैं एक्टिंग करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि साथ साथ मार्शल आर्ट्स भी करूँ एंड सिंगिंग भी सीखूँ और स्टडी भी चलिए साथ थैंक यू वेरी मच बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ क्योंकि मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे स्टेज शेयर करना स्क्रीन शेयर करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड हम लोग दोनों एक्चुअली थोड़े नर्वस हैं क्योंकि शाहरुख खान साहब के साथ डज एन एक्ट एंड सलमान खान का साहब एंड वो हमारे एपिसोड का पार्ट होगा तो वो एक ऐसा होता है कि ये है सलमान की बहुत बड़ी फैन शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन सलमान खान की फैन एंड एक्चुअली में वो रिवर्सल है वो एक्चुअल रियल लाइफ में शिवांगी इज़ सलमान खान फैन एंड आई एम शाहरुख खान फैन तो वो रिवर्सल करने वाले हैं हम शो में एंड लेट्स सी तो आज शाहरुख भी है सलमान भी है अंदर दोनों की तमन्नाएं पूरी होने वाली हैं हमारा ड्रीम कम ट्रू मोमेंट होने वाला है स्टार स्क्रीन अवार्ड्स पर दोनों का कार्तिक नायर का भी और मोहसिन शिवांगी का भी Yes, you're wearing. I am Kalki's outfit and red carpet tha, so I wanted to wear something, you know. I think she's looking gorgeous. I love the whole outfit. I love the color, and I think the way she's put her hair down, it's looking really nice. Thank you so much. Thank you, sir.
खेल साहब सही है डॉक्टर काटने का दिल करे तो Very great वेब सीरीज कर रही है राइट नाउ और मैं बहुत आराम कर रहा हूँ घूम फिर रहा हूँ चिल कर रहा हूँ रिकवर कर रहा हूँ वेल बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती बट आई एम जस्ट शूटिंग फॉर इट राइट नाउ इट्स समथिंग डिफरेंट और बताओ यार इट्स अ हॉरर शो बाय विक्रम भट इट्स अ वेरी नाइस वन मैंने देखा है थोड़ा बहुत क्लिपिंग इट्स आउटस्टैंडिंग बट आई एम नॉट गोना बिकम अ घोस्ट एंड ऑल आई एम गोना लुक प्रीटी इन द शो जो मिल गया मैंने पहन लिया ये ध्यान देती इनसे पूछ लो ये थोड़ी फैशनिस्टा टाइप है later. Hi. Oh,
I'm wearing Shirin Singh's outfit tonight and looking forward to Star Screen Awards 2016 and Salman Khan's performance, Shahrukh's performance. So one Bacha is performing inside and Sultan is performing. So looking forward to their performances and celebrating films tonight. It's Star Screen Awards, the biggest awards of the year. Looking forward to it. I think हर artist के लिए award functions बहुत मायने रखते हैं क्योंकि आप school जाते हैं तो आपके लिए trophies, medals, shields बहुत important होते हैं and you want to come first. So as an artist you want to get better और acknowledgement अगर आपको मिलती है awards के तौर पे तो आप और confidence feel करते हैं और better काम करना चाहते हैं तो awards हर artist के लिए important है and you feel like a small child when you get one award and you want to just get better, better, better every year. Well, I'm right now shooting for Girish Malik's film. It's called Band of Maharaja, which has been produced by Wave Cinema. So, shooting for that right now. Thank you so much. A week actually, मैं काफी down feel कर रहा था, पर ये काफी अच्छा मौका है कि यहाँ पर आके खुशी महसूस हो रही है। मैंने सुना है कि शाहरुख सर और सलमान सर परफॉर्म करने वाले, तो उनको देखने के लिए मैं बेचैन हूँ। खैर अनुपम खैर जी प्रोड्यूस कर रहे हैं एक फिल्म, जो इंशाल्लाह अगले साल रिलीज हो जाएगी, तो उसका इंतजार है क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अलग किरदार निभाया। तो गुंडे और गुड़िया नाम है उसका। शुक्रिया, थैंक यू। यस, मैं दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ बिकॉज दोनों एक हमारे बॉलीवुड के, हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लेजेंड हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो बहुत डेडिकेट है अपने यू नो टूवर्ड्स देयर वर्क। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ दिस टाइम, क्योंकि मैं बहुत साल पहले आया था। सो आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर धूम 3 फॉर बेस्ट चाइल्ड एक्टर, बट दिस टाइम दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग दैट काश मैं इसमें परफॉर्म करता, काश मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलती। बट दिस टाइम अगर आज मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है परफॉर्म करने की, तो आई एम वेरी हैप्पी। हमारा यू नो हमारा बहुत अच्छा एक्ट है फैजल, एवरीबडी नोज ही इज़ अ वेरी गुड डांसर एंड आई एम अ वेरी गुड जिमनास्ट, आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट प्रूविंग माई सेल्फ, बट फैजल के साथ हमारा परफॉर्मेंस है, वो शिवाय पे कर रहा है, मैं मल्हारी पे कर रहा हूँ, फिर हम दोनों एक साथ डिशुम पे करते हैं, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्ट। अभी मैं कोई सीरियल तो नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने कैमियो किया है मैंने सोनी पे, अब इट्स पेशवा बाजीराव एंड दिस आई प्लेड शिवाजी, इट्स अ कैमियो रोल, इट्स अ वन डे रोल ओनली बिकॉज शिवाजी बहुत बड़े हैं हमारे लिए, तो सब ने मुझसे बोला कि प्लीज़ तुम करो, आई थिंक ओके इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड आई एम डूइंग मूवी विद सनी सर, स्टिल इट्स नॉट डिस्क्लोज, सो अभी मैं झलक दिखला जा कर रहा हूँ। मैं हमेशा जैकेट्स पहनता हूँ, यू नो लाइक पंकी बच्चों की तरह आता हूँ, बट आज मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तुम सूट पहन के आओ, लोग तुम्हें देखेंगे, कुछ हरदम यू नो हर दिन कुछ नया ट्राई करना चाहिए, तो आज मैं सूट पहन के आया हूँ और आई होप कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you.
हूँ मैं उस बात के लिए, पर यहाँ पर मैं आ जाई हूँ जस्ट टू हैव फन एंड बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं अभी एंड बहुत एक्साइटिंग परफॉर्मेंसेज हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग देम। और स्टार स्क्रीन से बहुत पुराना रिश्ता है तो आना तो बनता ही था। आँखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। थैंक यू। Yeah.
you know, all the nominees, all the awardees, you know, everybody. I think it's just going to be a great night for everybody coming together, the performers and everything. And I think we've had some really nice films this year, so it's good to kind of be here and acknowledge those. जी वेल कोशिश तो यही है कि आई गेट टू डू अ फिल्म व्हिच इज एट लीस्ट क्लोज टू माय एज दैट्स आई थिंक द फर्स्ट थिंग ऑन माय लिस्ट एंड या आई थिंक वेरी सून इन अ फ्यू वीक्स यू विल हियर ऑफ एन अनाउंसमेंट थैंक यू गाइस Yes, I am getting it back. Yes. No. Let me run that side. Let me run that side. यही हम लोग बहुत खुश हैं कि यहाँ स्टार स्क्रीन अवार्ड्स पर आए हैं मेरी पहली अवार्ड जिंदगी आई मेक इट अ पॉइंट कि वी कम टू स्क्रीन अवार्ड्स एंड एंजॉय द फेस्टिविटीज ऑफ दिस अवार्ड्स थैंक्स I'm nominated for Dishum in best comic category. बहुत special है इस category में nominate होना क्योंकि जैसे कि मेरी family बहुत जुड़ी हुई है comedy से so obviously it's very special. मेरे भाई ने direct किया Dishum so obviously और भी special है I think. Screen Awards साल का पहला award है and New Year's की रात को दिखाएंगे लोगों को so very very special award I think बहुत मस्ती होगी magic होगी नहीं प्रमोशन हम लोग ने नहीं शुरू किया है बट ऐसे ही शुरू हो जाता है द स्टिल टाइम मार्च 10th को रिलीज़ होगी होली के त्यौहार के वक्त एंड वेरी स्पेशल फिल्म बहुत पैशनेट हूँ इस फिल्म को लेके एक स्पेशल मैसेज भी है फिल्म में सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट नो नो देयर इज नो ट्रूथ टू दैट इसमें क्या होता है मुझे आपका जो प्रश्न है वो ठीक से समझ नहीं आया अगर आप रणवीर सिंह को मेरे सामने ले और उसको बोल दें मुझे कहने के लिए तो मैं समझ या एंड तापसी नो इट्स ग्रेट आई मीन आई हैव ऑलवेज वांटेड टू वर्क जैकलीन के साथ ऑलरेडी एक फिल्म कर चुका हूँ तापसी के साथ तापसी को पहले से जानता हूँ वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद इतना अच्छा काम कर रही है पिंक अभी नाम शबनम भी आ रही है उनकी सो बोथ सच टैलेंटेड एक्टर्स एंड Jurwa 2 is a big responsibility and abhi bhi time hai. I don't know if you have wo aapko film dekhna padega uske liye abhi sab kuch nahi bol sakta but next is Badrinath fir Jurwa abhi I think just let's wish all the people inside best of luck for the work. Ha bahut lambi हाय हाय वेरी गुड हाउ आर यू जानना चाहेंगे आज की शाम से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं
पार्टी तो हम अटेंड करके आ ही रहे हैं, अभी आफ्टर पार्टी में जा रहे हैं. सो ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ एनर्जी और बहुत धूमधाम, लॉट्स ऑफ रियली गुड परफॉर्मेंसेस एंड वेल डिजर्व्ड अवार्ड्स. Kriti looking absolutely beautiful. Who are you wearing tonight? I'm wearing Swapnil Shinde. Okay, all right. There are a lot of actors looking forward to getting the Best Actress Award. Who are you rooting for here? I'm not aware of the nominations, but there are lots of them. I think very great performances from Salman Khan in Sultan, to Sushant in Dhoni, to Shahid in Urta Punjab. I think lots of really great performances. Okay. So I hope the best one wins. Well, we've almost finished it. Only Patchwork is left, and one two songs here and there left. पर बहुत ही अलग फिल्म है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल फिल्म है. आई थिंक इट्स वन स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट पढ़ते ही मुझे प्यार हो गया और मैंने जितनी बार पढ़ी मुझे और ज़्यादा प्यार हो गया. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ लव स्टोरी, बट इट्स अ लिटिल बिट मोर देन अ लव स्टोरी. सो या आई होप यू गाइस लाइक इट. थैंक यू. कुछ पूछ रहा है मजा परफॉर्म करने वाले थे. इस बार फिल्म नहीं आई है, बट जो इनका सेटअप था और जो लोग हैं वो इतने वॉर्म है दैट इट्स ऑलवेज बीन अ फेवरेट प्लेस ऑफ माइंड टू कम. एंड बहुत अच्छा हो गया टू वॉच टू ऑफ देम परफॉर्म टुगेदर. इट बी फन. नेक्स्ट प्रमोशनल इवेंट में. ठीक है, थैंक यू. एक स्टेज पे बहुत एक्साइटिंग है और करण जौहर को तो पहले बहुत बार स्टेज पे देखा है मैंने और आप सब ने. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फन टू वॉच माय करण एंड करण जौहर टुगेदर. एक्चुअली छोटी सी ग्लिम्स मैंने देख ली है, लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भेजना शुरू कर दिया है, तो वो लोग बहुत मज़े कर रहे हैं. कुछ शर्ट वर्ट भी खुल गई थी तो अभी जाके मैं देखती हूँ क्या कर रहा है मेरा पति. देखिए, हम लोग ऑफर्स बहुत आते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर्स हैं, बट दे हैव टू मैच बोथ द पीपल, यू नो, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, डेट्स, यू नो, कितना वक्त लगता है. सो वी विल डू समथिंग टुगेदर, बट अभी कुछ फाइनलाइज नहीं. आपको अवार्ड फंक्शन का बहुत एक्सपीरियंस है काफी सालों से, करण सिंह ने कोई टिप दी है आपसे क्या कितना? तो कुछ नहीं है. मैंने कभी भी होस्टिंग नहीं की है एक्सेप्ट वन सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो मैंने होस्ट किया था पोर्चुगल में. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी. यू हैव टू कीप सो मेनी पीपल एंटरटेन. आई थिंक इट्स अ वेरी टफ जॉब एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. शांतु मनंदी. वेल, यू नो, आई कीप प्लानिंग प्रोजेक्ट्स विच आर गोइंग टू बी प्लानिंग प्रोजेक्ट्स विच आर इंटरेस्टिंग टू मी, but a lot of them have not worked out. I worked in like on two of them very strongly. They have not worked out yet still. Hopefully something soon, a comedy maybe, that's what's looking most possible. No, these are all fake news. I don't know where from you guys are getting this. I have no idea of production. हाँ, पर वो ट्विटर पे दिख जाते हैं, सोशल नेटवर्किंग में तो दिख जाते हैं, यू नो, यू गाइस, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम रूमर्स. लेकिन अपनी लाइफ के बारे में आप सबसे बेहतर जानते हैं, तो पढ़ के क्या फ़ायदा. थैंक यू. लाउडली बेबी.
दिल ही जलेंगे फॉर मी. I used to top in all the sections. I was the number one student in school. So I generally liked all the subjects. All the other students hated me because I was always on the top. Thank you. Vibhasha's currently changed after marriage. Does he keep doing the same romantic stuff? Oh, no, no. He's very romantic. I'm really failing on that front because I'm not romantic at all. I'm too practical. And he really, I think we balance each other out like that. Thank you. Yeah. Hi, who's doing what? It's the first award function of the year, so that's why I'm very excited. Nominated 3-4 times and I won once for Golmaal Returns, so I'm emotionally connected to Screen Awards. जी हाँ उसमें हूँ जैन में शुरू होगी. एक्चुअली पहली तस्वीर आज आई तो और क्या कहूँ, पहली तस्वीर आई आज एंड 6 महीने का हो गया है बच्चा. आई होप इज हेल्दी एंड हैप्पी ऑलवेज. नहीं नहीं वो मेरे ही फोटोज होते इंस्टाग्राम में, लेकिन मैं बेबी का फेस नहीं दिखा रहा था इतने दिनों तक. And now I gave one of the papers a picture today. Mid-Jan. I have no clue. Not yet. Bollywood music, the first song that comes to my mind is Chaiya Chaiya. Most hated subject. I was a really good student. I didn't hate any subject. I used to hate languages, English, Hindi, Marathi. Will you miss Kareena? Yes, of course. Of course we'll miss her. But you never know. There's always an opportunity at the end that might arise. I believe so. For sure. For sure. Thank you. Thank you. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ये सब मेरे लिए बहुत न्यू है एंड मेरा फर्स्ट टाइम. मैं बहुत ज़्यादा, मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं शाहरुख खान एंड सलमान खान, एंड सलमान खान इज लाइक माय इंस्पिरेशन, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, मेरी पहली फिल्म थी एंड मेरे लिए एकदम लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी, सो वेरी वेरी गुड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Salmana host, so lots of entertainment and fun performance. Do I have any favorites? Honestly, I've not gone through the whole nomination list yet, so I'm waiting to be surprised, I guess. Tanya Khanuja, Gulabo Gown. Hello, how are you? हाँ कैसा? बहुत अच्छा रहा. आई हैड टू फिल्म्स इन तेलुगू विच वॉज सुपर हिट्स दैट रिलीज इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड शूटिंग फॉर कमांडो 2 वी डन नाउ वेटिंग फॉर इट टू रिलीज. थैंक यू. डांस टुगेदर आई थिंक डबल धमाका होने वाला है एंड आई कैन वेट टू सी बोथ ऑफ देम यू नो परफॉर्म एंड आई थिंक बहुत ही अमेजिंग शाम होने वाली है. बहुत ही अमेजिंग शाम होने वाली है. आई वॉज सरप्राइज एट ऑल बिकॉज हमने तो पूरी पिक्चर साथ में शूट की है, बट आई थिंक यू नो विद अक्षय एवरी सिंगल टाइम वो कोई फिल्म करते हैं वो कुछ अलग होती है, कुछ हटके होती है. वी वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस फिल्म. आई होप यू नो ऑडियंस ऑल्सो लाइक्स आई एफर्ट. वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुझे पहली जॉली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मुझे सुभाष सर के साथ काम करने का भी बहुत मन था एंड आई एम ग्लैड कि ऑल ऑफ अस हैव कम टुगेदर. और जॉली 2 की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, हम सब पढ़ के बहुत एक्साइटेड हो गए थे, सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड.
Of course, I think everyone knows Akshay Kumar is a full khiladi and he's a full prankster. I had a blast working with him. Mera bhai Saqib unka bahut bada fan hai. Ab unke saath kaam karke mere ko lagta hai unki aur badi fan hogi. Lots of them. I'll tell you when you start promoting. Well, if the script is good, why not? All right, thank you. Sheeta, and I think I just wanted to be in a small, pretty way, a little elegant tonight. Oh my God, Suraj hua Madhyam. What else? That defines Bollywood for me. What was my host? Oh, physics. I hated physics. I couldn't stand physics. It was driving me crazy. Oh God, मैं क्या बताऊँ? सब लोग झूठ बोल रहे हैं. इतना सारा झूठ मैंने कभी टीवी पे नहीं देखा है. It's really funny. I think बहुत ही entertaining है कि you know it's just little mad. और I wish के हमारे celebrities जो हैं शो पे वो थोड़ा और दिखाते. I mean when in our season we definitely showed a lot more fun. स्वामी जी common man है लेकिन तो actually मेरे favourite नहीं है. मेरे फेवरेट बिल्कुल नहीं है स्वामी जी एंड आई एम काइंड ऑफ ग्लैड कि वो जा रहे हैं थैंक यू फॉर द नेम आई नो दैट त्रिशा हैज स्टाइल्ड मी एंड आई डोंट नो द नेम ऑफ द डिजाइनर आई नेवर लाइक टू रिमेंबर ओके ऑलराइट टेल अस समथिंग अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स व्हाट आर यू बिजी विद आई एम बिजी विद प्रेपिंग फॉर अ थ्रिलर दैट आई एम गोना बी स्टार्टिंग And because of the demonetization, it's gotten pushed, and I have no complaints. So I cannot say anything. The fact that I'm saying that it's a thriller, I think for the first time is a lot. But yeah, I'm just really the reason why I'm here today, honestly, and really excited is because my best friend has won an award already, and he's gonna kill me that I'm a little late. Sai won best writer for Nija, so this one is for Sai. Sai won for this. Thank you. Definitely, wow! I think her film pe ho raha hai, but Titik se mere baare mein kafi acha likha hai, so I'm quite happy with that.
जी वेरी एक्साइटेड वेरी नर्वस एक्चुअली पता नहीं कैसा होने वाला है एंड शाहरुख सर सलमान सर टुगेदर कभी हुआ नहीं है आई थिंक अगर ऑडियंस पसंद करे आई गेट गुड मैसेजेस आई गेट गुड रिव्यूज आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है अवार्ड मिला तो सोने पे सुहागा है ऑफकोर्स एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज SRK और भाई एक साथ स्टेज पर दिखेंगे मुझे तो करण अर्जुन वाला नॉस्टैल्जिया आ रहा है एक फैन बॉय है मुझमें जो बहुत एक्साइटेड है शो को देखने के लिए साथ में एक सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन भी है फोर्स टू के लिए तो एक तरह से थोड़ी नर्वसनेस भी है और एक्साइटमेंट एक साथ जी एक सेकंड जी फिलहाल दो या तीन प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है पर फोर्स टू के सक्सेस को हम इस महीने जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके एक्साइटमेंट में लगा हूँ बट बाय द एंड ऑफ द ईयर एक अनाउंसमेंट होगी और जैसे ही पता लगेगा तो सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे पर तब तक किसी को बताइएगा मत मेरी दूसरी फिल्म है तो अवार्ड एक तरह से इंडस्ट्री में रिकग्निशन होता है पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं रोल या फिल्म सिर्फ इसलिए करता हूँ कि शायद ये करके मुझे अवार्ड मिल जाए पर यस अगर तुमने काम किया है साथ में किसी ने आपको रिकग्नाइज किया है स्टार स्क्रीन जैसे ज्यूरी ने तो बहुत ही अच्छा लगता है एज अ परफॉर्मर थैंक यू थैंक सो मच मैं यहाँ हूँ दैट मैं अपने फैमिली के साथ हूँ आई एम फीलिंग रियली ग्रेट टू बी हियर ये अवार्ड्स काफ़ी मायने रखता है बिकॉज इट इनकरेजेस पीपल टू परफॉर्म बेटर एंड अ हेल्दी कॉम्पिटिशन इज रियली गुड फॉर द ग्रोथ Favorite? In younger generation, I think Deepika is fabulous, and I love Ranbir Kapoor. He's really good. Thank you. थोड़ा सा लेट आई हूँ आज जरा वेरी एम्बैरेस्ड मैं एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गई फ्रॉम वर्क और ट्रैफिक में थोड़ा सा डिले हो गया सो आई मिस माय नॉमिनेशन आई बीन नॉमिनेटेड फॉर इन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी और वो मुझसे मिस हो गया सो आई एम रियली डिसहार्टेंड लेकिन नेवरदलेस इट्स अ ग्रेट इवनिंग शाहरुख एंड सलमान आर होस्टिंग तो मतलब ये डबल वैमी डबल धमाका है सो आई एम रियली एक्साइटेड इट्स गोइंग टू बी अ रियली ह्यूज नाइट सी अवार्ड एक एक्नॉलेजमेंट एक रिकग्निशन एक प्यारा सा एक स्वीट वैलिडेशन है फॉर योर वर्क फॉर योर हार्ड वर्क एंड आई थिंक हम लोग एज आर्टिस्ट एज एक्टर्स हम लोग आप लोगों के लिए और ऑडियंसिस के लिए और फैंस के लिए काम करते हैं फॉर योर लव सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज जस्ट अ जेस्चर ऑफ शोइंग अ लिटिल मोर लव देन नॉर्मल एंड इट्स ऑलवेज स्पेशल थैंक यू बैड मैन वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज द फर्स्ट अवार्ड ऑफ द सीजन स्क्रीन अवार्ड के साथ बहुत बरसों से संबंध है यू नो एज आई ऑलवेज से देन वेन वी वर स्ट्रगलिंग एंड वी वर वॉन्टिंग टू ब्रेक इन टू द फिल्म इंडस्ट्री वॉट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट वॉज टू सम हाउ गेट अ पिक्चर प्रिंटेड ऑन द कवर ऑफ स्क्रीन सो आई हैव अ लॉन्ग एसोसिएशन विद स्क्रीन एंड टुनाइट इज एन एक्साइटिंग नाइट बिकॉज आई हर्ड
Shahrukh and Salman both are performing together. It's fantastic. I also like to mention that we are progressing in terms of various awards, but we still haven't got any award for the digital. Like we have an award for films on screen, but we haven't got an award for digital. This is the first year where an original digital feature film, it happens to be my film called Bad Man, that got released this year, but they're still not able to find a slot or a category. Okay, digital film ko kis tarah se award diya jaye? In times to come, that'll come. Anything else? जो है आई थिंक वो अवार्ड्स की सीज़न का बिगनिंग मार्क करते हैं एंड हमेशा ही बहुत मज़ा आता है स्क्रीन अवार्ड्स में. आज शाम मैं यहाँ पे परफॉर्म करने वाली हूँ तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. आई थिंक मैं और पूरा नेशन सलमान और शाहरुख को एक साथ स्टेज पे देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. सो आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रेट इवनिंग. माही वे जो मैंने ये नया गाना किया है उसको आई एम वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. आई वांट टू थैंक ऑल माय फैंस एंड पीपल हु हैव गिवन मी सो मच लव एंड अप्रिसिएशन फॉर दैट सॉन्ग. बस ये कहना चाहूँगी दैट आई वाज वेरी नर्वस एंड यू नो माही वे जो गाना था वो मलाइका ने किया था और शी इज़ स्टिल वन ऑफ द यू नो बेस्ट लुकिंग एंड हैज़ द बेस्ट बॉडी टिल नाउ. सो आई थिंक to step into her shoes was a lot of pressure and I'm very happy that you know people are appreciating. जी जी नहीं हर हिट स्टोरी में एक नए इंसान आएंगे ना तो हमेशा मैं थोड़ी ना रहूँगी. मैं अक्सर 2 की फिल्मिंग कर रही हूँ एंड आई थिंक अर्ली नेक्स्ट ईयर आई विल स्टार्ट विक्रम भट सर्स 1921. थैंक यू. Most hated subject would be geometry. I could never understand it. Those theorems and all, you know, it used to always be like, okay, this is like that, this is like that, and then we still had to prove it. So I never got geometry. I never. What's the one word that comes to mind when I say Bollywood? Bollywood music. I would say entertaining. Hello. Thank you. मेरी तमन्ना ये थी कि आज मैं ओ हूज इन द हाउस राधिका 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 मैम.
ओके, मेरी तमन्ना क्या है किसी ने पूछा. मैं पहली बार मुंबई में परफॉर्म कर रही थी, सो माय परफॉर्मेंस इज गॉटन ओवर एंड बहुत डर लग रहा था, बट इट वेंट रियली वेल. सो थैंक यू स्टार स्क्रीन फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल फॉर मी एंड आई हैड अ ब्लास्ट. हाय. हाँ, हो सकता है, हम बोल नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता है. शायद राजमौली सर कुछ सोचे आपके ये विचार के बाद. गोइंग वेल एक्चुअली, आई स्टिल हैव सम वर्क टू डू, अनदर फ्यू डेज इन दिसंबर एंड उसके बाद आपकी तरफ अप्रैल में पेश होगी बाहुबली पार्ट टू. अच्छा, एक्चुअली वी आर मोर एक्साइटेड देन नर्वस. हमें ऑलरेडी बहुत प्यार मिला है ऑडियंस से एंड वी आर वेरी थैंकफुल, क्योंकि बाहुबली जैसी फिल्म एक एक्टर के करियर में शायद एक ही बार आती है. इंडस्ट्री के लिए ही एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक रीजनल फिल्म इस मकाम पे पहुंची कि आज वो इंटरनेशनली जानी जाती है. सो आई थिंक आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बाहुबली. I feel like, you know, for a film like this, hated subject maths. I hated maths, I still hate maths. In fact, I almost used to have nightmares about maths even till recently. What is the one word that comes to mind when I say Bollywood? Thumka. Thumka comes into my mind. When I say Bollywood music, it's all about... Yeah, thank you all, thank you all. Of course. Computer science. Weddings. I'm very excited. As usual, I'm always very excited. Anything? Have a great evening. Bye. I don't know. Our team, the whole Kavali team, doesn't know about Kavali 2 yet. Okay. So, but if at all it happens, would you like to be a part of it? I would love to be a part. Rajnikant. What's happening? What other films are lined up? When will you? I am actually on a break for 2 months. I'm tired, and I need a break. But I'm starting my new film in February, and I will make the announcement soon. No, it's not a woman's secretary. I can't tell you that. Thank you. Is that it? बहुत excited हूँ. स्क्रीन अवार्ड्स है, इसमें शाहरुख सर, सलमान सर पहली बार होस्ट कर रहे हैं साथ में. बहुत धमाल होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी एन एपिक नाइट एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. नेक्स्ट फिल्म इज विथ द डायरेक्टर ऑफ प्यार का पंचनामा विच इज़ लव रंजन सर एंड इट्स विथ टी सीरीज. तो वो फिल्म मेरी स्टार्ट हो रही है इसी मंथ में एंड उसी के साथ साथ अतिथि इन लंदन जो मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ तो उसका आई थिंक 30% पोर्शन बचा हुआ है. तो नेक्स्ट ईयर ये दोनों फिल्में रिलीज होने वाली हैं. वो अभी तक अनटाइटल्ड है, उसका अभी तक नाम नहीं आया एंड एंड या इट्स ऑलमोस्ट फ्रॉम द टीम ऑफ प्यार का पंचनामा. हाँ, ये परेश जी और मैं इसमें वापस से जैसे परेश जी गेस्ट की तरह आते हैं मेरे घर पे एंड मेरी लाइफ में तबाही मच जाती है. तो वो एक स्टोरी का वन लाइन है एंड एंड या मतलब अभी शूट ही चल रहा है उस फिल्म का भी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Right side. Right side. Right
भी जब वो फोटो भी मुझे लग रहा है ये फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में हो जाएगी 2017 और स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है एक्सपेक्टेड अराउंड मार्च है सो हाउ चैलेंजिंग वुड इट बी टू पुट शाहरुख इन द रोल ऑफ अडवानी इट इज चैलेंजिंग इट्स अ चैलेंजिंग स्क्रिप्ट दैट्स व्हाई आई वेंट टू खान साहब दैट एक मुश्किल कैरेक्टर है और आई नीडेड समबडी लाइक हिम टू कम अप ऑन बोर्ड एंड डू द नीडफुल बढ़िया कहानी है मज़ेदार दुनिया है थोड़ा सा स्ट्रेस है टेंशन है पर वो हर कहानी के साथ होना ज़रूरी है तो ही कुछ बनता है दैट इज़ येट टू बी डिसाइडेड स्टिल वर्किंग ऑन इट गिव मी अनदर 15 डेज मुझे नहीं लगता जितने बड़े वो एक्टर हैं उनको एक फिल्म चलना नहीं चलना कोई अंतर करता है और बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं उनके साथ काम करने की बहुत इच्छा थी और मुझे अब कहानी मिली है तो मैं वो एंजॉय करूँगा आई थिंक अनदर 15 डेज द फीमेल लीड एंड द टाइटल विल बी अनाउंस थैंक यू It was good fun. It was really good fun. And the theme is friendship, so who better than him and me to host it? Sir, how has your friendship evolved over the years? You guys have known each other right from the beginning of your career, so yeah. Now, anything that you would like to say? There have been ups, there have been downs, but you know, you guys have stuck around with each other together. It happens with everyone. Just that when it happens with us, so much of bakheda has been created on that. And yeah, this is... This? हमारे इसमें कुछ नहीं है हमारे इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें कंट्रीब्यूशन और कुछ चाहने वालों का भी होता है इतना बड़ा पंगा भी नहीं किया कुछ खुद ही डर गया उसके बाद अनदर फाइट हां या या दैट्स आल्सो पॉसिबल आमिर आल्सो होस्टिंग जॉइन यू टू होस्ट द अवार्ड मेबी नेक्स्ट ईयर द थ्री ऑफ यू कुड तो आता नहीं ना यार अवार्ड ही डजंट गो Shahrukh, your performance in Dear Zindagi was really, really appreciated. The movie has also done extremely well at the box office. So, any thoughts on that part? No, yaar, main kya bolunga? Gauri and Alia's thing. मैं तो उसमें छोटा सा हिस्सा हूँ सो आई एम वेरी हैप्पी इट टर्न्ड आउट वेल मुझे बहुत डर लग रहा था दैट आई शुड मेक श्योर दैट आई स्टैंड अप टू देयर एक्सपेक्टेशन सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड डू दैट हो जाएगा वो भी हो ही जाएगा कोई ना कोई फिल्म लाएगा कोई ना कुछ हम कर ही लेंगे कोई अच्छा राइटर
विद्वान राइटर को अच्छा कुछ लेके आएगा और कोई पेशेंट पेशेंट डायरेक्टर बहुत ही पेशेंट डायरेक्टर वो फिल्म हो जाएगी. I don't know. वो है दिमाग में लेकिन बताएंगे नहीं आपको. अभी नहीं बताएंगे. जी हाँ हाँ हम दोनों कॉफी इतनी पीते नहीं है यार हम इतना ज़्यादा. It was fun कि सोहेल और अरबाज और मैं हम तीनों भाई चले गए थे तो जितनी मेरी पोल खोलनी थी उन दोनों ने खोल ली. अब इससे ज़्यादा कुछ बचता नहीं है. इंशाल्लाह सबको अच्छी लगेगी. अभी बस बन गई है ख़त्म हो गई है तो 7 तारीख को ट्रेलर है तो होपफुली एवरीबॉडी लाइक इट. ऐसा कुछ भी नहीं है यार जैसा ये सलमान ने बोला आप लोग ऐसा सोचते हो यार कुछ भी नहीं है फिल्म है. थोड़ा टाइम लग गया उसमें क्योंकि चोट लग गई थी तो अब आ रही है तो अच्छी सी रिलीज हो जाए और सबको पसंद आए. वो सब जो होता है ना वो इम्पल्सिवली होता है. इसमें कोई सोचते समझते नहीं है. इम्पल्सिवली होता है. कुछ में सही चले जाते हैं ज़्यादा में सही जा रहे हैं कुछ एक आध में गलत चला जाते हैं तो यही है. बट देयर इज नो स्ट्रैटेजी इन्वॉल्वड इन पब्लिसाइजिंग अ फिल्म. किसी के पास एक आइडिया आ गया किसी के पास दूसरा आइडिया खुद का एक आध कुछ आ गया किसी को हाँ कह दिया किसी को ना कह दिया. दिस इज़ द ओनली वे दैट यू नो वी यू नो प्रमोट एंड एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो हम लोग फिल्म की अवेयरनेस फैलाते हैं कि इस डेट के ऊपर ये फिल्म आने वाली है. जो जो कि हमारे फैंस हैं उनको तो ऐसे पता ही चल जाता है कि कब रिलीज़ हो रही फिल्म से. ये नंबर वन होना चाहिए यार मैं ये फील करता हूँ. जेन्युइनली हैंडसमनेस में नंबर वन होना चाहिए. और क्या ये क्या नंबर हाफ बैठो सब लोग. मैंने टाइगर श्रॉफ का परफॉर्मेंस देखा विच वॉज रियली नाइस एंड दे गिव अ ट्रिब्यूट टू रेखा जी तो वो भी देखा एंड शी स्टिल गॉर्जियस एज ऑलवेज सो इट वॉज अ प्लेजर टू सी हर सो क्लोज. एक्चुअली मैं हार्डली अवार्ड फंक्शंस पे जाती हूँ बिकॉज मिलता है तो अच्छी बात है आई बी मोर देन हैप्पी लेकिन ठीक है नहीं मिला तो भी मेरे को ऐसे कोई अवार्ड से वो नहीं है. तो जी मैंने आज एक डिज़ाइनर है जो मेरी फ्रेंड है जैसे मेरी वेडिंग आउटफिट भी बनवाई बनी थी वो मेड माई वेडिंग आउटफिट ऑल्सो साक्षा के नहीं तो मैंने वो पहना है और मेरी ज्वेलरी है वेलवेट केस से. थैंक यू. One more, your man.
अरे उधर भी डेजी बन हो गया भाई हमेशा इंजॉय करने के लिए होते हैं और वही हमारा एजेंडा होता है मेरा एजेंडा होता है मुझे बहुत एंटरटेन होना होता है लाइक हमारा काम है लोगों को एंटरटेन करना पर कभी कभी हम खुद भी एंटरटेन होना पसंद करते हैं मेरे लिए रिवॉर्ड्स ज़्यादा मायने रखते हैं अवार्ड्स आई डोंट थिंक रियली काउंट्स अभी फिलहाल आई एम फिल्मिंग फॉर राम रतन एंड देयर इज अ फिल्म कॉल्ड राही चला चल विच इज स्टार्टिंग इन फेब्रुअरी थैंक यू सही है